फेंकी में उठ जाओ, फेंकी में जल्दी से उठ जाओ, दिवाली आ गई, फेंकी में उठ जाओ। अबे क्या है शिनचैन, सोने दे मेरे को। अरे फेंकी में जल्दी से उठ जाओ, दिवाली आ गई, ये फेंकी में है। अरे कहीं सर, ये फेंकी में तो उठी नहीं रहे। फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ। अबे शिनचैन मुझे सोने देना, चुपचाप साइड में बैठ जा, मुझे सोने दे रहा कब से। फ्रैंकलिन भैया फेंकी में निकल जाए से। फेंकी भैया आज तो दिवाली है इसलिए मैं आपको उठा रहा था, मुझे नहीं पता था बुरा मान जाओगे। मैं जा रहा हूँ, अब आपको नहीं उठाऊंगा, मैं जा रहा हूँ फेंकी भैया। अरे यार ये शिनचैन का बच्चा भी ना पूरी नींद खराब कर दी, अब जाके कोने में बैठ गया होगा, रोता रहेगा, मुझे उसको मनाने जाना पड़ेगा। शिनचैन, अरे शिनचैन के बच्चे कहाँ पर, मुझे नींद से उठा दिया, अब कहाँ पर रो रहा है, मुझे शिनचैन को ढूंढना पड़ेगा, ये हर बार ऐसे करता है, अभी कहीं पे रो रहा होगा। मैं क्या शिनचैन, अबे शिनचैन मेरी बात सुन। फेंकी भैया मुझे आपसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। अबे मेरी बात तो सुन, मुझे आपसे बात नहीं करनी फेंकी भैया। अबे पर हुआ क्या, मेरी फेंकी भैया आज दिवाली है इसलिए मैं आपको जल्दी उठा रहा था, पर आप उठी नहीं रहे, पर मेरे पीछे चिल्लाए थे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से फेंकी भैया। अरे अच्छा शिनचैन चला जा, अपन चलते हैं, नए नए कपड़े खरीदेंगे। अरे फेंकी मुझे नहीं चाहिए नए नए कपड़े, निकल जाओ यहाँ से। रुक जाओ कैसर, मुझे बताइए शिनचैन कैसे मानने वाला है, कल रात को मैं थोड़े से फटाके लेके आया था तो वो काम आने वाले, रुक जाओ उनको फटाफट से ले लेते हैं। तो कैसर अभी मैं ये खतरनाक सा बॉम्ब लेके आ चुका हूँ, शिनचैन लास्ट बार पूछ रहा हूँ आ रहा है कि नहीं। अरे फेंकी मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा तो ये ले। तो कैसर अभी मैंने शिनचैन के बॉम्ब लगा दिया, उसको फटाफट से ब्लास्ट कर दे, ये ले। फेंकी भैया मुझे क्यों उड़ा दिया, अरे फेंकी भैया क्या कर दिया आपने। अबे शिनचैन तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा था यार, मैं क्या करूं। अरे फेंकी भैया इसका मतलब ये थोड़ा है, पटाखे फोड़ोगे। शिनचैन पटाखे तो मैं फोड़ सकता हूँ, ये ले एक और कैच कर। अरे फेंकी भैया क्या कर दिया। अरे फेंकी भैया हम तो शॉपिंग पर भी नहीं गए, हम पटाखे कहाँ से लेके आ गए। अरे शिनचैन कल जब मैं रात को घर आ रहा तो मैं एक दो पटाखे लेके आ गया था। अरे फेंकी मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो ना। अरे मैंने तो सारे पटाखे खत्म कर दिए, मेरे पास सिर्फ दो ही बचे थे। अरे फेंकी भैया चलो ना फिर लेने चलते हैं। हाँ शिनचैन अभी लेने चलेंगे। अरे फेंकी मुझे कपड़े भी लेने। हाँ शिनचैन कपड़े भी ले लेंगे। अरे फेंकी मैं नई गाड़ी भी लेनी है। अरे हाँ हाँ नई गाड़ी भी ले लेंगे। तो कैसर आज है दिवाली और हम जाने वाले दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो कैसर फटाफट से कमेंट में एक दूसरे को शिनचैन और मुझे कमेंट में लिख दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इसलिए मैं और शिनचैन जाने वाले हैं शॉपिंग पे, शिनचैन के पास भी दिवाली के लिए कपड़े नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, इसलिए हम जाने वाले अपने लिए कपड़े खरीदने। अरे फेंकी पटाखे भी। हाँ पटाखे भी, और कैसर मैं सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी भी खरीदेंगे, क्योंकि दिवाली के महोत्सव पर हम यार एक गाड़ी भी खरीदेंगे बहुत ही खतरनाक वाली। तो शिनचैन और मैं निकल चुके हैं, चलो फटाफट से चलते हैं अपने लिए कपड़े खरीदने और नई नई गाड़ी खरीदने और पटाखे भी। अरे हाँ पटाखे भी, शिनचैन पागल हो गए पटाखों का नाम सुन के। तो कैसर आप यार दिवाली पे कौन कौन से पटाखे फोड़ते हो, फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि शिनचैन तो बहुत ही ज्यादा पटाखे फोड़ता है। अभी हम जाएंगे पटाखों शॉपिंग की, सबसे पहले चलते फटाफट से कपड़े खरीदते हैं। तो कैसर अभी हम बस पहुँचने वाले कपड़े की शॉप पे और हम खरीदने वाले हैं बहुत सारे कपड़े शिनचैन और मेरे लिए। अरे फेंकी भैया पटाखे क्यों खरीदेंगे। अबे शिनचैन पहले कपड़े खरीद ले, पटाखे पटाखे परेशानी करती है, तूने ले लेंगे अगर पटाखे। तो कैसर अभी हमें तो मस्त मस्त शर्ट आई हुई यार, शर्ट्स खरीदूं, जैकेट खरीदूं, क्या खरीदूं समझ नहीं आ रहा है। अरे फेंकी मैं तो बोल रहा हूँ पटाखे खरीदते थे। अबे शिनचैन अगर तूने एक और बार पटाखे बोला ना मैं तुझे पटाखे नहीं दिलाऊंगा। ओके फेंकी भैया मैं एक बार भी पटाखे नहीं बोलूंगा, सॉरी फेंकी भैया मुझे पटाखे दिला देना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे शिनचैन भाई चुप हो जा यार, क्यों माथा खा रहा, तू कपड़े देख लेना अपने, तू अपने कपड़े देख और मुझे अपने कपड़े देखने दे, तो माथा ही खा गया मेरा, पटाखे पटाखे बोल बोल के। कैप मुझे नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया सा जैकेट चाहिए, यहाँ पे जैकेट मिलेगा। और कैसर ये तो बढ़िया बढ़िया जैकेट लग रही, ये वाला यहाँ पे खरीद लेते हैं। और मुझे यार एक जीन्स भी खरीदनी अच्छी थी, तो फटाफट से वो भी खरीद लेते हैं, रेड कलर का जैकेट और रेड कलर की जीन्स लेंगे, बहुत ही खतरनाक लगेगी। और ये खतरनाक सी रेड जीन्स हमें मिल चुकी है, और कैसर रेड सनग्लासेस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, देख लेते हैं उनके पास रेड सनग्लासेस और ये क्या पूरे के पूरे रेड सनग्लासेस मिल गए। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमारी दिवाली आउटफिट बिल्कुल रेडी हो चुकी, बिल्कुल रेड रेड दिवाली मनाने वाले हैं। एनीवे की मैं चलो पटाखे। अबे शिनचैन पहले अपने कपड़े ले तो ले ले पहले, पटाखे 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 पटाखे। रुक जा, एक तो शिनचैन को मुझे कपड़े दिलाने पड़ेंगे, सो खुद को कपड़े लेना भी आता। आ शिनचैन ये वाले मस्त लग रहे, ये पहन के देख एक बार शिनचैन, ये तू पहन जब तक मैं तेरे लिए और कुछ लाता हूं। लगता है अबे शूज भी मिल जाएंगे शिनचैन के लिए नए नए, और एक शिनचैन के लिए पैंट भी देख लेते कौन सी पैंट शिनचैन पहनने वाला है। और शूज तो वैसे मुझे भी चाहिए, एक काम करते रेड शूज भी ले लेते हैं, क्या इनके पास रेड शूज मिलेंगे। आओ फटाफट से देख लेते, और रेड शूज भी मिल चुके हैं, तो गाइस हमने रेड शू पहन लिए। चलो फटाफट से शिनचैन को तैयार कर देते, हम तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अभी मैं तो बाहर आ चुका हूँ, शिनचैन भी अंदर तैयार हो रहा है, वो बाहर आते हैं, देखते हैं शिनचैन ने कौन से कपड़े अपने लिए। मैं तो पूरा पूरा रेड का रेड आउटफिट पहन लिया। शिनचैन बाहर आ जा भाई, कितनी देर। अरे फेंकी मैं क्या, मुझे देखने के लिए तैयार हो। हाँ हाँ आ जा आ जा।
अरे फेंकी मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। अबे क्या आंखें बंद करूं आना? अरे फेंकी मैं आंखें बंद करूं ना। अच्छा ठीक है, आंखें बंद कर ली जल्दी आ। ये शिनचैन मेरे एकदम लड़कियों का नाटक कर रहा है और ये शिनचैन आ गया। अरे फेंकी बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ? अबे शिनचैन तो बहुत ही खतरनाक लग रहा। तो गाइस अभी आप देखो शिनचैन ने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रहे थे पर अभी उसने कलरफुल कपड़े पहन लिए और रेड कलर के शूज भी पहन लिए मेरी तरह। तो गाइस अभी हमने कपड़े तो पहन लिए, हम बिल्कुल रेडी हो चुके अपनी दिवाली मनाने के लिए। अरे फेंकी पटाखे फेंकी पटाखे। अरे हाँ तेरे पटाखे भी लेने चलेंगे। तो गाइस कपड़े हमने खरीद लिए, अब यार दो काम रह गए। एक तो हमें नई गाड़ी खरीदनी है और दूसरा हमें पटाखे खरीदने हैं। तो गाइस सबसे पहले पटाखे खरीदते हैं। तो चलो बड़ा शिनचैन को पटाखे दिला दे ताकि वो यार शांति करे थोड़ी देर के लिए, पर नहीं ये बोलता ही रहेगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शिनचैन के लिए पटाखे लेने और ये है दिवाली मार्केट। आप देख सकते हमें कितना बड़ा बड़ा लिख रखा हैप्पी दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आपका स्वागत है दिवाली मार्केट में। ये देखो भाई कितना मस्त इसको सजा रखा है, पर रात में जब आएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। और गाइस लगता है यही पटाखे की दुकान है और यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही पटाखे की दुकान है और ये वो दुकान है। यहाँ पर कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं इनके पास कौन कौन से पटाखे हैं। मुझे यहाँ पे रॉकेट्स दिख रहे हैं, अनार दिख रहे हैं और भी अलग अलग तरह के बॉम्ब्स दिख रहे हैं। अरे विक्की मैं मुझे तो रॉकेट चाहिए, जमीन चक्री चाहिए, फुहारे चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। अरे यार शिनचैन सब मिल जाएगा, बस लाइन में खड़े होना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से लाइन में खड़े होते, लगता है बहुत ही देर लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है यहाँ पर। अरे विक्की मैं यहाँ पे कब तक खड़े रहना पड़ेगा? शिनचैन यहाँ पे खड़े रहना टाइम तो लगेगा। या फिर काम करते हैं शिनचैन तू लाइन में खड़ा रहे, जब नंबर आए तो फटाखे ले लियो, जब तक मैं जाके नई गाड़ी लेके आता हूँ और फिर तुझे सरप्राइज भी मिल जाएगा। अरे विक्की मैं कब तक खड़ा रहूंगा, ये तो बहुत बड़ी लाइन है। अबे शिनचैन खड़े तो रहने पड़ेगा, तू यहाँ पे खड़ा रहे मैं नई गाड़ी लेके आता हूँ। अरे विक्की मुझे छोड़ के मत जाओ। अबे चुपचाप खड़ा रहना। देख शिनचैन अगर तू लाइन में खड़ा नहीं होगा तो हमें फटाखे नहीं मिलेंगे, फिर तू दिवाली नहीं मना पाएगा। ठीक है शिनचैन? ओके विक्की मैं इधर खड़ा रहता हूँ। तो गाइस अभी हमने शिनचैन को पटाखे की दुकान पे खड़ा कर दिया है। अरे मेरा नंबर कब आएगा, मुझे सारे के सारे पटाखे खरीदने। अरे अंकल जल्दी चलो, मुझे भी नंबर लाना चाहिए। अरे अंकल जल्दी चलो, मेरा नंबर कब आएगा? तो चलो गाइस फटाफट से चलते अपनी नई नई गाड़ी खरीदने, क्योंकि गाइस आज है दिवाली और दिवाली में हम खरीदने वाले अपने लिए नई नई गाड़ी। ये गाड़ी मैं बहुत ही सालों से चला रहा हूं और बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए आज हम जाने वाले नई नई गाड़ी खरीदने। तो गाइस अभी तक आपने कमेंट नहीं किया हैप्पी दिवाली तो फटाफट से कर दो, क्योंकि आज दिवाली आपको कमेंट करना पड़ेगा हैप्पी दिवाली, फटाफट से कमेंट कर दो। और अभी आ चुके हैं साइमन के पास नई नई गाड़ी खरीदने। चलो गाइस फटाफट से साइमन के शोरूम में, और मुझे लगता है साइमन के शोरूम में ऑलरेडी दिवाली मनना शुरू हो चुकी है। अब देख तो भाई कौन से पटाखे फोड़ रहे हैं। अबे साइमन शोरूम के अंदर पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? अरे फ्रैंकलिन क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दिवाली इसलिए? फ्रैंकलिन दिवाली इसलिए तो मैं खुश हुई, पर मैंने आज सारी की सारी गाड़ियाँ बेच दी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या सारी की सारी गाड़ियाँ बेच दी? पर ये दो गाड़ियाँ तो मैं खड़ी है ना। इन दो गाड़ी में से एक गाड़ी तुम्हें अपने घर पे लेके जाऊंगा, सिर्फ एक गाड़ी बेचना बाकी है। इसका मतलब तेरे पास एक गाड़ी बची है? साइमन मुझे भी गाड़ी खरीदनी है, मुझे भी कोई अच्छी सी गाड़ी दे दे। अरे फ्रैंकलिन मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी बची है, चाहिए तो ले जाओ। क्या सिर्फ एक ही गाड़ी? अरे एक गाड़ी से मेरा क्या होगा? मैंने तो सोचा तेरे पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा, मैं उन सब में से चूज करूंगा, पर तेरे पास तो सिर्फ एक ही गाड़ी बची है। हाँ फ्रैंकलिन मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी बची है, चाहिए तो बताओ। अरे कैसे भी साइमन के पास सिर्फ एक ही गाड़ी बची है, मैंने सोचा था यार गाड़ी में से चूज करने को मिलेगा, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी है, लगता है इसको ही मुझे लेना पड़ेगा। रुक जाए कैसे फटाफट टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं क्या ये गाड़ी अच्छी लग रही है हमें। साइमन मैं आता हूँ टेस्ट ड्राइव करके। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर से पटाखे निकलने लग गए। ये तो एकदम दिवाली वाली कार है, इस गाड़ी के अंदर से तो पटाखे निकल रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताइए ये गाड़ी आपको कैसी लगी। सोचो इस गाड़ी को हम रात में घुमाएंगे तो कितनी ज्यादा खतरनाक लगेगी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, मैं यही वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ। चलो गाइस फटाफट से इस गाड़ी की पेमेंट कर देते, क्योंकि मैं यही वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे साइमन मैं यही वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में देगा? अरे फ्रैंकलिन ये मेरी आखिरी गाड़ी बची है और तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, और दिवाली का डिस्काउंट लगा के ये गाड़ी मैं तुम्हें दूंगा 10 मिलियन डॉलर्स में। क्या
10 मिलियन में। अरे मेरी आवाज को क्या हो गया, 10 मिलियन में? अरे तू पागल हो गया क्या, 10 मिलियन ये बहुत महंगी है। अरे फ्रैंकलिन, मेरे पास सिर्फ 10 मिलियन वाली गाड़ी बची है, चाहिए तो ले लो वरना छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, पर 10 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा है, मेरे सारे बैंक अकाउंट की सेविंग खत्म हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन, चाहिए तो बताओ, आखिरी पीस बचा है, वरना बहुत सारे लोग लाइन में खड़े खरीदने के लिए। कहां है लोग, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे साइमन थोड़ा सस्ता कर दे। ओके फ्रैंकलिन, तुम्हारे लिए 9 मिलियन डॉलर। अच्छा ठीक है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, खरीदनी तो पड़ेगी, फटाफट इसकी पेमेंट कर देते हैं और खरीद लेते हैं ये खतरनाक सी गाड़ी। बाय बाय फ्रैंकलिन, हैप्पी दिवाली। हाँ साइमन, हैप्पी दिवाली। तो गाइस, हमने अपनी अगली गाड़ी खरीद ली है, हमने अपनी नई नई गाड़ी खरीद ली और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो फटाफट जाते शिनचैन के पास, शिनचैन ने अभी तक पटाखे भी खरीद लिए होंगे और हम जाएंगे अपने घर पे और आज रात को हम मनाएंगे दिवाली अपनी नई नई सुपर कार के साथ और साथ में बहुत सारे पटाखे और नए नए कपड़े, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं। शिनचैन मैं आ रहा हूँ। अरे शिनचैन मैं आ गया। मेरी विक्की मैम आ गई। ये क्या, यहाँ पर तो अभी भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अबे शिनचैन तेरा नंबर अभी तक नहीं आया क्या? मेरी विक्की मैम मेरा नंबर कैसे आएगा, इतने सारे लोग खड़े, मैं कैसे खरीदूं? अरे कैसे, ये इतने सारे लोग कर क्या रहे, ये इतने सारे लोग हैं, मुझे लगता है ये सारे के सारे पटाखे खरीद लेंगे, हमारा नंबर भी लेने वाला। रुक जा शिनचैन, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी विक्की मैम कौन सा आइडिया? शिनचैन हम अपने पटाखे ऑनलाइन मंगाने वाले हैं। अरे क्या, ऑनलाइन पटाखे? हाँ शिनचैन मेरे पास आइडिया है, फटाफट से तेरा। तो गाइस, इस पटाखे की शॉप पे खड़े रहेंगे तो हमारा नंबर कभी नहीं आने वाला और जब तक हमारा नंबर आएगा सारे के सारे पटाखे खत्म हो जाएंगे और दिवाली भी खत्म हो जाएगी। इसलिए गाइस हम मनाने वाले पटाखे वो भी ऑनलाइन। तो फटाफट से अपने फोन में निकाले थे, वेबसाइट खोलते और हम मंगाने वाले हैं ऑनलाइन पटाखे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऑनलाइन खरीदने अपने सारे के सारे पटाखे, क्योंकि गाइस दिवाली आ चुकी है तो पटाखे तो चाहिए ही ना। तो फटाफट से सबसे पहले हम जाने वाले किड्स गन में। अरे विक्की भैया, मैं आपको किड्स लगता हूँ क्या, मुझे बड़ी गन चाहिए। अरे हाँ, इसमें बड़ी गन भी मिल जाएगी। तो गाइस फटाफट से इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये कुछ खतरनाक सा लग रहा है, आप देख सकते हो। अरे विक्की भैया, ऊपर वाले लोग कमांडो गन, कमांडो गन ये भी बहुत ही मस्त लग रही है। तो गाइस फटाफट से इसको डाल देते हैं अपन कार्ट में, फिर हम बाद में एक बार में सारे के सारे पटाखे लेने वाले। और ये वाले भी बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है, ये भी खरीद लेते हैं। इसके साथ इसकी टिकलिया भी मिलने वाली जिसको हम फोड़ पाएंगे। तो गाइस अभी हमारी गन तो हो चुकी है, अब बारी रॉकेट्स की। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स हैं। अरे विक्की भैया, रेनबो वाला रॉकेट? हाँ रेनबो वाला रॉकेट। तो गाइस अभी ये रेनबो वाला रॉकेट हम लेने वाले, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। अरे विक्की भैया, साउंड वाले भी? हाँ साउंड वाला भी। तो गाइस इस वाले रॉकेट में दो दो साउंड निकलती है और इस वाले में तीन तीन निकलती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं। अरे विक्की, मुझे ब्लास्ट वाला भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ब्लास्ट वाले। तो गाइस ये जाके हवा में ब्लास्ट होने वाला, तो ये भी हमने ले लिया है। मुझे लगता है रॉकेट्स इतने बहुत होंगे, अभी चलते हैं अपन फुल चडीज में। अरे विक्की भैया, सारी एक एक पैकेट ले लो। क्या सारी? अरे विक्की भैया सारी? अच्छा ठीक है, ये वाली ले लेते हैं फटाफट से, और ये लंबी वाली जो सबसे बड़ी फुलझड़ी होती है वो भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और ये वाली भी ले लेते हैं। अरे विक्की भैया, सारी की सारी? हाँ शिनचैन सारी की सारी। अरे विक्की भैया, नन्ने को दीदी के लिए भी तो लेनी है। अरे हाँ, नन्ने को दीदी के लिए भी ले लिया, पर अभी खुद के लिए तो ले ले। तो गाइस अब ये वाली फुलझड़ियां हो चुकी है, अब बारी जमीन चक्करेगी, अभी बारी जमीन चक्कर की। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिटिल ड्रैगन वाले जमीन चक्कर, ये कितने ज्यादा खतरनाक से लग रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये ड्रैगन जैसा एक जमीन करे जिसको चलाने में बहुत ही मजा आने वाला। तो फटाफट से इसको यहाँ पर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके दो पैकेट ले लेते हैं। तो उसके दो पैकेट हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अरे विक्की भैया, दिवाली में तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ शिनचैन, और गाइस यहाँ पर है हमारे पास म्यूजिक रोल वाली, मतलब जिसमें से म्यूजिक बजेगा, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसको भी ले लेते हैं। अरे विक्की भैया, दो पैकेट? अबे शिनचैन सही है भाई, 350 रुपए की बहुत महंगी है, इसलिए एक पैकेट सही है। तो गाइस ये वाली भी ले लेते हैं, ये इसमें पता नहीं क्या होने वाला, जॉइंट व्हील जमीन चक्कर, चलो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये नॉर्मल वाला ले ही लेते हैं। तो गाइस अभी हमने बहुत सारे जमीन चक्कर ले लिए, अब बारी बॉम्ब्स की। तो गाइस देखते हैं इनके पास ये कौन से। अरे विक्की भैया, लाल बम, लाल बम। हां शिनचैन तेरे लिए लाल बम ले लेते हैं। तो गाइस इसमें 100 लाल बम आने वाले हैं, इधर जितने हैं मैं सारे के सारे लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस ये देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक वाला बम है। अरे विक्की भैया, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम, अरे मेरे को इसका नाम याद नहीं है। अरे गाइस अगर आपको इसका नाम याद है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल लेने ही वाला हूं, मुझे इसका नाम याद नहीं।
पर यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे सेम एक और पैकेट ये वाला भी ले रहे, तो गाइस फटाफट से कमेंट करके इसका नाम बता दो ताकि हमें पता चल जाए। और देखते हैं इनके पास क्या मिर्ची बॉम्ब, तो मिर्ची बॉम्ब भी हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे लड़िया भी है, तो फटाफट से ये भी ले लेते हैं। और ये पता नहीं कौन सा बम है, पर ये भी ले लेते, कोई बात नहीं, सारे के सारे आज हम लेने वाले हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके किड्स स्पेशल के लिए, मतलब शिनचैन के पटाखे। बड़े वाले पटाखे फोड़ूंगा। अबे शिनचैन चुपचाप बच्चे वाले फोड़े, 5 साल का तो तू बड़े वाले फोड़ेगा। तो गाइस ये है एयर ट्रैफिक बॉम्ब, तो इसको फटाफट से लेते हैं, लगता है ये हवा में जाके ब्लास्ट होने वाला है, तो इसको हमने ले लिया है। और ये ड्रिसलिंग व्हील्स, ये चटपटिया है, इसको भी फटाफट से अपन ले लेते हैं। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, सबका सब में लेने वाले। तो गाइस इस वाले बॉम्ब का नाम है रेलवे सिग्नल लाइट्स, इस पे पता नहीं क्या होगा, चलो बाद में पता चलेगा। इसको भी फटाफट से ले लेते हैं, जितनी चीज हम सारी की सारी लेने वाले, एक भी नहीं छोड़ने वाले। और गाइस ये कैमरा बॉम्ब जो है बहुत सारी हमारी फोटोज खींचता है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्या आपने कभी इसको यूज किया, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। मैंने तो बहुत बार यूज किया, इसलिए हम एक और बार ले लेते हैं। और ये स्पिनर, ये बहुत ही तेज चलता है, बहुत खतरनाक है। और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, गाइस इसको भी ले लेते हैं। मुझे तो सारी की सारी अच्छी लग रही है, ये चिटपुट भी है, तो इसको भी फटाफट से ले लेते हैं। काम करते हैं, सारी की सारी चीजें डाल लेते हैं। और गाइस यहाँ पे गोल्ड रेन मिल चुकी है, इसमें से गोल्ड निकलने वाला। और कलरफुल फुल जड़िया, ये भी हमें चाहिए, सबका सब दे, तो सबका सब मैं लेने वाला हूँ। और ये हमने ऑलरेडी ले लिया था, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं स्काई शॉट की तरफ। तो गाइस स्काई शॉट तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो कि हवा में जाके फटते हैं। तो सबसे पहले 100 शॉट, जो कि हवा में जाके 100 बार ब्लास्ट होंगे, तो ये तो हमें जरूरी चाहिए चाहिए। और यहाँ पे 30 शॉट है, इसको भी ले लेते हैं। और देखते हैं बिग हीरो तो हमको चाहिए, बहुत ही तेज बटेगा। और ये कैप्टन अमेरिका वाला स्काई शॉट हमें ये भी चाहिए, फटाफट से दे दो। तो गाइस हमने बहुत सारे स्काई शॉट ले लिए, देखते हैं और कौन कौन से स्काई शॉट है हमारे पास। इसके ऊपर नैना को दीदी, ये वाला ले लो। क्या नैना को दीदी? अरे यार नैना को दीदी तो है, चलो फटाफट से ये वाला भी ले लेते। तो गाइस अभी हमने नैना को दीदी वाला भी फटाकर ले लिया है। मेरे ख्याल से इतने स्काई शॉट्स बहुत होंगे। अब बारी फ्लावर पॉट की, मतलब फुहारों की। तो गाइस ये तो बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम सारे के सारे लेने वाले। ये नॉर्मल वाले ले लिए, और ये अंडे वाले भी बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये कलर वाले भी ले लेते हैं। और गाइस इनके पास कुंग फू पांडा वाले भी फटाके, तो फटाफट से इनको भी ले लेते हैं। ये फुहारा बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, और ये भी ले लेते हैं, और ये भी मस्त लग रहा है, इसको भी ले लेते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी हमने ये सब चीजें ले ली है, अब देखते हैं और क्या बचा है। और ये लड़ी, तो गाइस आप देख सकते हो 1000 वाली है, 2000 वाली है, और 5000 वाली है, और 100 वाली भी है। एनीवे की मैं 5000 वाली ले लूं? हां शिनचैन बात तो सही है, एक काम करते हैं 5000 वाली ले लेते हैं, और एक 2000 वाली भी ले लेते हैं। तो गाइस एक बार में 5000 लर फटेगी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमने इन सब को ले लिया है, और मुझे लगता है हमने सारी की सारी चीजें खरीद ली है। एक सेकंड, यहां पे थोड़े से और रॉकेट्स खरीद लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो गाइस लगता है हमारी दिवाली शॉपिंग हो चुकी है पूरी की पूरी। और आप देख सकते हो 18,490 रुपीस के हमने फटाके यहाँ पे खरीद लिए। तो फटाफट से चेकआउट करते हैं, और ये हमारे घर पर डिलीवर हो जाएंगे। फटाफट से मैं अपने यहाँ पे एड्रेस बता देता हूँ, फटाफट से आंखें बंद कर लो। तो गाइस अभी हमने पटाखे अपने ऑर्डर कर दिए, और अभी शाम भी हो चुकी है, और हमारे पटाखे घर पर डिलीवर हो जाएंगे। और आप देख सकते हो शाम में हमारी गाड़ी कितनी खतरनाक लग रही है, आप सोचो एक बार रात हो जाएगी तो कितनी ज्यादा खतरनाक लगेगी। तो गाइस फटाफट से अपने घर पे चलते हैं, क्योंकि गाइस आज हमारा घर भी पूरा का पूरा सज गया है, क्योंकि आज है दिवाली। तो फटाफट से चलते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आज हम मनाने वाले हैं दिवाली। अरे वे क्यों पटाखे तो आ जाएंगे ना? अरे आज शिनचैन पटाखे आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले, फिर चलो फटाफट से घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी यार पूरी की पूरी रात हो चुकी है, और आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे घर के एरिया पूरा चमक चुका है, हर जगह लाइट्स लग चुकी है, और अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं अपने घर पे। और आप देख सकते हो हमारा घर कितना खतरनाक लग रहा है, सुबह आपको पता नहीं चल रहा था, पर रात में हमारा घर पूरा का पूरा चमक चुका है। और गाइस लगता है हमारे घर में दिवाली पार्टी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, हर जगह लाइट है, और हमारे सारे के सारे लोग भी आ चुके हैं, जॉब भी अपना बिल्कुल तैयार है पार्टी करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई हमारे लिए बर्गर बना रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा दिवाली के लिए खाना बन रहा है, सारे के सारे लोगों के लिए, इतने सारे लोग हमारे घर पे आ चुके हैं दिवाली पार्टी के लिए। एनीवे क्यों मेरे पटाखे भी आ गए? और गाइस शिनचैन के पटाखे भी आ चुके हैं। शिनचैन फिर किस बात की देरी, आओ तेरे पटाखे फोड़ते हैं। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ हमारा घर आपको कैसा लगा, मस्त है, पूरा घर हमारा चमक चुका, और स्विमिंग पूल तो कितना ज्यादा चमक रहा है। एनीवे क्यों पटाखे फोड़ने वाला तैयार हो जा? तो गाइस अभी शिनचैन यहां पे पटाखे फोड़ने वाला है, सभी के सभी लोग बिल्कुल तैयार है फायरवर्क्स देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा फायरवर्क शुरू हो चुके, भाई कितने सारे पटाखे, पूरा का पूरा लॉस सेंटोस यहां पे जगमगा रहा है, और
हमारे मस्त से पटाखे फूट रहे, शिनचैन आप देखो सामने पटाखे फूटे जा रहा है। और कैसर बहुत ही ज्यादा मजा रहा है, सभी को हैप्पी दिवाली, फटाफट से कमेंट में लिख दो हैप्पी दिवाली। पूरा का पूरा लॉस एंजेलिस जगमगा रहा है दिवाली की वजह से, हर जगह फटाखे फूट रहे और हर जगह सिर्फ लाइट ही लाइट हो रखी है। तो यार हमारी दिवाली तो स्टार्ट हो गई है, आप फटाफट से कमेंट करके बताओ अपनी दिवाली आप कैसे मनाने वाले हो, और फटाफट से कमेंट में सबको हैप्पी दिवाली लिखना मत भूलना। तो गाइस आज ही वीडियो से बेहतर है अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दिवाली।